हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आज का वो लोग है जुरासिक पार्क का। आवाज आएगी पता नहीं, नहीं आएगी, माइक नहीं ले गया मैं। भीड़ देखना कितनी ज्यादा है भाई। एतवार न मत आइयो, आओ तो सोमवार ना आइयो, एतवार न मत ना आइयो, एतवार न दुगनी भीड़ है। पर देखते हैं भाई, मजा आएगा। बंद हो गया, कुछ भी लावे तो नई गाड़ी है कोई कंपनी ने नई गाड़ी निकाली है, रैप हो रखी है, लोगो वोगो नहीं है कुछ भी, रैप कर रखी है। पता नहीं लग रहा कौन सी नई गाड़ी है, कंपनी कोई नई गाड़ी निकालने वाली है। आप देख सकते हैं, अब ये नहीं पता ये है कौन सी गाड़ी, आई थिंक स्कॉर्पियो हो सकती है, पर बता नहीं सकते हम कौन सी गाड़ी है। हम अपने वे पे जा रहे थे तो हमारे वे पे आगे आगे जा रही है गाड़ी, बाकी हम फ्रंट भी दिखाने की कोशिश करेंगे, साइड भी, देखते रहो। वापस से आते हुए हम गाड़ी के पास देख सकते हैं आप, रैप गाड़ी देख सकते हैं आप, फिर से जा रही है हमारे बराबर से। हम इसके पास आते हुए गाड़ी के देख सकते हैं आप, पता नहीं लग रहा कौन सी गाड़ी है, H426 हरियाणा नंबर गाड़ी, गुड़गांव से टेस्टिंग करी जा रही है। इंडिकेटर देगा भाई साहब ना, वही तो मोड़ेगा। फिर मेरे को कमेंट करके बताना। और अब दे देता हूँ अपनी फिटनेस अपडेट। जैसे कि 10 दिन हो गए थे टाइफाइड हो रखा था, तो वजन बिल्कुल डाउन हो गया, 96 हो गया था, अब 90 kg है। तो इसको रिकवर करने के लिए एक मैं मास गेनर यूज़ करने वाला हूँ। मैं आपको दिखा दूँ कौन से वाला है, ये है 5 kg के आसपास की बाल्टी। तो इसके फ़ायदे क्या हैं वो मैं आपके अलग वीडियो बना दूँगा आपके लिए। अभी मैं इसको रिकवरी के लिए यूज़ करूँगा, जैसे कि जुलाई की लास्ट में हमें 100 किलो करना है, 100 kg। ये एक एस्टिमेटेड टाइम मैंने आपको बताया है, इस टाइम के अंदर अंदर 100 kg करने हैं। जैसे कि 90 है तो 100 करना है, तो 10 kg का अंतर हो गया। हमारे पास 1.5 महीना है, 1.5 महीने में आराम से वेट गेनर के हेल्प से हो जाएगा। बाकी अपनी डाइट बढ़ाएंगे, अभी डाइट भी बिल्कुल सूखी रोटी वगैरह चल रही थी। तो जैसे जैसे डाइट बढ़ेगी, वैसे जैसे सप्लीमेंट और ऐड होते जाएंगे, वैसे वैसे वेट भी पुट ऑन होता जाएगा। हैवी वर्कआउट करना शुरू कर दिया है धीरे धीरे, पर पर्टिकुलर पार्ट का वर्कआउट करने और लग जाऊंगा मैं नेक्स्ट वीक से, कि जैसे शोल्डर डे है तो सिर्फ शोल्डर, चेस्ट डे है तो चेस्ट डे। अब बात कर लेते हैं वेट गेनर की। तो भाई ये है DMS का वेट गेनर, मोन्स्टर गेनर बोलते हैं इसको। इसमें क्या है, 100 servings हैं और एक सर्विंग की साइज है 50 ग्राम की। 50 ग्राम में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। वैसे अगर आपको 1200 कैलोरी चाहिए, जैसे कि इसमें बोला हुआ है कि पर डे
1200 कैलोरीज आपको लेनी है, तो उसका हिसाब मैं बता दूं, एक सर्विंग उसकी 2 स्कूप की पड़ जाएगी 50-50, 100 ग्राम, 100 ग्राम के अंदर आपको 50 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा और 5 ग्राम प्योराइन, 3 ग्राम क्रिएटिन, 22 ग्राम विटामिन एंड मिनरल्स, 22 ग्राम बहुत ज़्यादा होते हैं, 23 ग्राम कार्ब्स, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल मोटे हो जाओगे इसे लेके, एक जैसे कि लीन मास गेनर बोल सकते हैं आप इसको, कि धीरे धीरे वेट पुट ऑन होगा। हाँ भाई, मुंह मोटा जरूर होएगा इससे, पेट भी निकलेगा, क्योंकि भाई मीठा होता है इसके अंदर, जो मीठा होता है ना शुगर जो होती है वो आपके फेस की जो ये है स्किन को मोटी करता है, और जो पेट है ना उसको भी बाहर निकालता है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा कार्ब्स, इतने ज़्यादा फैट ले रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है ये आपका जो स्टोमैक है ये भी बॉडी का पार्ट है, आप खाओगे तो स्टोमैक भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ऐसे मत सोचना भाई कि मोटा हो जाओ, बिल्कुल एब्स रहेंगे आपके, तो वेट गेनर का काम होता है वेट उठाना ही, और मैंने आपको पहले ही बताया था वेट गेनर वर्सेस वे प्रोटीन में भी कि वे प्रोटीन यूज़ करो। अब वेट गेनर मैंने क्यों लिया है वो आपको मैं, इसका रीज़न यही है कि भाई बिल्कुल ही डाउन हो गई थी बॉडी, देखो बिल्कुल सब कुछ कम हो रखा है, 6 किलो वजन कम हो गया टाइफाइड टाइफाइड में, इसको रिकवर करने के लिए ही मैंने वेट गेनर लिया है। जैसे ही मेरा 96 दोबारा हो जाएगा मैं इसे बंद कर दूंगा। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ, मैं वेट गेनर जैसे अफोर्डेबल है तो मैं 15-20 दिन ही चलाता हूँ, 15-20 दिन में खाया और ख़त्म किया, ठीक, फिर अपना कार्डियो कार्डियो किया, जो पेट और मुँह बढ़ा हुआ है उसको कम करके अपने दोबारा शेप में आ जाएंगे। बाकी देखते हैं भाई, 110 किलो 120 किलो करना है तो भाई मोटे तो होंगे ही होंगे, शेप आएगी कटिंग में ही, जैसे कि 6 महीने गेनिंग है 6 महीने कटिंग है, ठीक। चलो उसके बारे में बात करें, और हाँ भाई इसकी फुल स्पेसिफिकेशन चाहिए हो ना तो कमेंट करके जरूर बता देना, इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन दे दूंगा, कैसे खाना है, किसके साथ खाना है, इसके साथ क्या डाइट लेनी है, इसके साथ क्या वर्कआउट करना है, वो अलग रख लेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए छोटा मोटा मैं आपको बिल्कुल लाइट स्पेसिफिकेशन देता हूँ। जैसे कि ये है DNS की बाल्टी, इसमें अपोजिट दिख रहा है, अलग अलग से डाल दूंगा, चलो मैं अलग से वीडियो ही बना दूंगा इसके ऊपर, वेट गेनर के ऊपर, क्योंकि जो पतले पतले बच्चे होते हैं जिनको वेट अपना पुट ऑन करना होता है, या जो मेरी तरह बीमार हो के उनका वेट बिल्कुल लूज हो जाता है, उनको अपनी रिकवरी फेस लेनी है। हाँ भाई एक चीज़ और बता दूँ, जो कंपटीशन खेलेगा ना उस वही रिकवर करे अपना इसके थ्रू, क्योंकि भाई मेरे पास लिमिटेड टाइम है, मेरे पास सिर्फ 1 साल बचा है, ठीक है, 1 साल भी नहीं रह रखा है, 10-11 महीने रह रखे हैं अगले कंपटीशन के लिए, तो भाई मेरे लिए तो ज़रूरी है। अगर मैं ऑन टाइम उस वेट पे नहीं पहुंचा या उस कंडीशन में नहीं पहुंचा तो मैं स्टेज पे वो शेप लेके नहीं खड़ा हो सकता। तो छोटा छोटी चीज़ बता देता हूँ, ये है मॉन्स्टर वेट गेनर, इसकी नॉर्मल सर्विंग 50 ग्राम मैंने आपको बताई थी। अगर आपको 1200 कैलोरी चाहिए तो 1 स्कूप सुबह ले लें, 1 स्कूप वर्कआउट के बाद, अगर वो भी नहीं लेते हो चलो, कि एक बिल्कुल ही आपको भाई पेट वेट से कोई मतलब ही नहीं है, फेस स्वेलिंग से कोई मतलब नहीं है, तो 2 स्कूप रात को लेके अब मैं सो जाओ, नींद भी बिल्कुल गहरी आएगी, क्योंकि इसके अंदर कार्ब्स और फैट का रेशियो ज़्यादा होता है, जैसे कि कार्ब्स आप ज़्यादा लेते हो तो आपकी गहरी नींद आती है। तो ये तो ओवेबल फिटनेस अपडेट, ठीक है, अगर आपको इसके ऊपर पूरी वीडियो चाहिए ना तो कमेंट सेक्शन में बता देना, सारी वीडियो आ जाएगी इसके ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जो अभी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एक चीज़ और, इसके साथ ना मल्टी विटामिन ज़रूर ऐड कर लेना, मैं हमेशा कहता हूँ लीवर की टैबलेट या सिरप और मल्टी विटामिन ज़रूर कर लेना, वरना फेस पे एक्नेज आ जाएंगे, बैक पे बहुत सारे एक्नेज आ जाएंगे, गर्मी बना देगा। और वाटर इनटेक ना जितना हो सकता है उतना ज़्यादा रखना है, क्योंकि कार्ब्स आप ले रहे हो तो बॉडी में स्टोर होने के लिए, मतलब 1 ग्राम कार्ब्स में 10 OZ आपका वाटर स्टोर होता है, ठीक है, 10 ounce बोलते हैं जिसको। तो जितना मतलब पानी चेंज मत करना, जो अपने घर का रखते हो ना सिर्फ घर का पानी पीते रहना, ठीक है, अगर जिम में जाते हो तो जिम का या घर का बस, और जैसे बार बार जो बोतलों को मिलता है वो बिल्कुल भी यूज़ मत करना, क्योंकि जैसे जैसे पानी आप अगर वेट गेनर के टाइम पे पानी चेंज करते हो ना तो आपकी बॉडी उतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देती, आपके एक्नेज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, स्किन क्लियर नहीं रहेगी। तो भाई देखते हैं, आज मैंने ओपन भी नहीं किया, देखो बिल्कुल सील पैक है। अब आज डेट देख लो कितनी है, आज से शुरू करते हैं, मैंने आपको टाइम बता दिया, 30 जुलाई तक मैं इसको लूँगा, ठीक है, जो भी शेप आएगी, जो भी अगर इसके बेनिफिट क्या हैं, साइड इफेक्ट क्या हैं, वो मैं आपको सभी को अपनी, जैसे कि कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। इसकी अलग वीडियो चाहिए होगी तो आप मेरे को कमेंट करके या फिर
फेसबुक पे मैसेज करके बता देना, इसकी मैं अलग वीडियो डाल दूंगा। इसकी मेन चीज़ मैंने आपको बता दी, लीवर सिरप और मल्टीविटामिन की टैबलेट, ये ज़रूर 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 ऐड कर लेना, वरना धजिया उड़ लेंगे बॉडी के, सच बता रहे हैं। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस, 3 साल बाद मैं वेट गेनर ले रहा हूँ, वो भी किस वजह से, भाई जो गुरु जी हैं उन्होंने बोला है कि भाई ऑन टाइम रहेंगे, ऑन वेट रहेंगे, अगर आगे पीछे हो गया तो वो शेप नहीं ले पाएंगे, लेके आ पाएंगे हम कंपटीशन स्टेज पे। तो इसलिए जुलाई तक का टारगेट है 100 kg तो हो जाए, बाकी भाई कोशिश करेंगे बढ़िया डाइट लेंगे, जितनी हेल्दी हो सकती है, जितनी ज़्यादा डाइट बनाऊंगा उतनी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं भाई, काफ़ी लंबी हो जाएगी, इतनी बड़ी बात कोई सुनता नहीं है। तो भाई वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, कमेंट करके बता देना कैसी लगी, और भाई पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहो, अभी तो बहुत कमजोर रखें, इतनी इतनी वार नहीं इतनी। ठीक है, थैंक यू।